हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हैं आज 27 नवंबर 2023 को एलटी टेट का एग्जाम कंडक्ट हुआ, जिसमें हमारे टोटल क्वेश्चन थे 150। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ यहाँ पे जीके सेक्शन जो रहेगा 121 क्वेश्चन से। तो हम सबसे फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में पहले वेदर डॉपलर रडार की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, जिसमें राइट आंसर रहेगा आपका कुफरी। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, किस वंश के शासक ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इसमें जो राइट आंसर रहेगा आपका वो ऑप्शन डी रहेगा, चोल नरेश वंशज। ओके, सेकंड क्वेश्चन करेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, शिवाजी ने 16 जून 1674 को ताज ग्रहण करते समय कौन सी उपाधि धारण की थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास वो सी ऑप्शन रहेगी, छत्रपति। ओके, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों में बैठक से पहले घंटे को क्या कहा जाता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, प्रश्नकाल। बी ऑप्शन, ऑप्शन बी 124 का ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 125 क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठारी राज्य कौन सा है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसमें जो आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 126 क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वॉर मेमोरियल स्थित है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो वॉर मेमोरियल है वो आपके कांगड़ा में स्थित है और आपका प्लेस रहेगा ऑप्शन ए, धर्मशाला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे नेक्स्ट 127 क्वेश्चन है, हिमाचल में पंचायती राज अधिनियम कब वापस लिया गया था। देखिए, 127 क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है, इसमें जो राइट आंसर रहेगा 158 है, पर आपकी ओरिजिनल आंसर के हिसाब से इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 128 क्वेश्चन है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया था। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, बाल गंगाधर तिलक जी, सी आर दास, पंडित रविशंकर, राम प्रसाद बिस्मिल। इसका जो राइट आंसर रहेगा 128 का ऑप्शन रहेगा डी इज राइट आंसर। 129 क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 129 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 8 अक्टूबर 1932। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। 130 क्वेश्चन है, आगे 130 क्वेश्चन, लालूजी नामक जो ब्रैकेट मिलकर यहाँ पे पान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा, अगर लालूनी जो थे यहाँ पे, लाहौल स्पीति इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। 130 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 131 क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित है। देखिए, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है यह स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड है, तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 131 का ऑप्शन ए। 132 क्वेश्चन है, बिहू नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है। देखिए, जो बिहू नृत्य है असम से संबंधित है, और असम वाले ऑप्शन आपके पास ऑप्शन सी। 133 क्वेश्चन, आगे 133 क्वेश्चन है, भारत में श्रीलंका से शांति सेना को कब वापस बुलाया गया था। इसका जो राइट आंसर रहेगा 133 का ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 190। ऑप्शन डी 190 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 134, 1 नवंबर 1978 को हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पालमपुर इज इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 135 क्वेश्चन है, लोकसभा में किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा 135 का ऑप्शन बी इज राइट आंसर, लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे 136 क्वेश्चन है, अनंत मठ के लेखक का क्या नाम है। इसका जो राइट आंसर रहेगा 136 का रहेगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट 137 क्वेश्चन है, कुल्लू जिले में देवी हडिम्बा की याद में कौन सा उत्सव मनाया जाता है। उसका राइट आंसर रहेगा आपका डुंगरी फेयर, डुंगरी मेला, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट 138 क्वेश्चन है, पृथ्वी वर्ष की समाप्ति किस वर्ष हुई थी। 138 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 171 इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 139 क्वेश्चन, आगे 139 क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किसने कहा था। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास ऑप्शन बी इज राइट आंसर, वीर सावरकर जी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140, हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर वन्य जीव विहार के संरक्षण का भार किसे सौंपा गया है। इसका जो राइट आंसर रहेगा आपके पास बीबीएमबी, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर, भाखड़ा प्रबंध समिति को यह भार सौंपा गया था। नेक्स्ट है 141 क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन है 1100 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे 142, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में राज्य विश्वविद्यालय 2022 खोला गया। इसका राइट आंसर रहेगा आपका मंडी, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 143 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, 5 जून।
नेक्स्ट है 144 क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी को क्रांति के समय शिमला का डिप्टी कमिश्नर कौन था। देखिए इसका जो राइट आंसर रहेगा विलियम हे इज राइट आंसर, बट यहाँ पे विलियम हे नहीं विलियम हेग लिखा है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं। ओके नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन, देखिए 145 क्वेश्चन है, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा रहेगा आपका 16 दिसंबर को, राइट आंसर है ऑप्शन डी इज राइट आंसर 16 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर के गुजरती है। देखिए जो भूमध्य रेखा आपके 0 डिग्री अक्षांश से गुजरती है, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 147 क्वेश्चन है, मानस व काजीरंगा असम वन्य प्राणी अभ्यारण मुख्य रूप से किन प्राणियों के लिए है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर आपका गैंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। 148 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा लॉर्ड एटली, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149 क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हिमालय राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर 76,000 हेक्टेयर में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है 150, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकोड़ी जोत है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। ओके थैंक यू।